नमस्कार दोस्तों, मैं हरदयाल सिंह और आप देख रहे हैं गुरु विद्या। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। अब ये टाइप ऑफ कैटलिस्ट जो है, उससे पढ़ने से पहले हमने जो इंट्रोडक्शन इसका जो था लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और वो इंट्रोडक्शन देखिए क्या था। इंट्रोडक्शन ये था अपना कि उत्प्रेरक जो है वो क्या होते हैं। तो उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब या तो वेग को बढ़ा देंगे या फिर वेग को घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जो उत्प्रेरक थे उसका गुण क्या थे और उसके डेफिनेशन क्या है। तो चलिए, ये है आपके पास कि वे पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेंगे लेकिन अभिक्रिया की दर को वो प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, आगे देखें उत्प्रेरक के जो गुण है वो ये है कि सर, उत्प्रेरक जो है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता, मतलब वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देगा। ठीक है, लेकिन वो उसको स्टार्ट नहीं कर पाएगा। जो सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि उत्प्रेरक जो है वो बिल्कुल ही कम मात्रा में, यानी कि सूक्ष्म मात्रा जो है वो ही इसकी सफिशियंट है। ठीक है, उत्प्रेरक की एक बहुत कम मात्रा ही सफिशियंट रहती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जिस अमाउंट में हमने अभिकारक को लिया है, ठीक है, उसी अमाउंट में अपने को उत्प्रेरक लेना पड़े। ये बहुत ही कम, मतलब एक यूं माने कि आप अगर आप दूध से क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो बिल्कुल चुटकी भर उसमें खटाई डाल देते हैं, तो वो देखिए एक तरह से उत्प्रेरक की तरह ही कार्य कर रहा है। ठीक है, तो सूक्ष्म मात्रा ही इसकी क्या रहती है, पर्याप्त रहती है। आगे देखें, अगला जो है इसका ये कि उत्प्रेरक के रासायनिक संगठन में या फिर उसके द्रव्यमान में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, क्योंकि सीधी सी ऑब्वियस सी बात यह है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेगा, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा तो उसके द्रव्यमान में और उसके संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगला ये है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपने देखी थी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रकार की होती है, तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है यानी जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उसमें ये उत्प्रेरक क्या करता है, दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, कहने का मतलब अग्र और पश्च है यहाँ पे, अग्र दिशा में और ये पश्च दिशा में, तो अग्र और पश्च दिशा में ये अभिक्रियाएं हो रही है, तो यहां से जब आप यहाँ पे पहुंच रहे हो ए से बी में, ठीक है, तो ये क्या है, अग्र अभिक्रिया है। ठीक है, तो अग्र अभिक्रिया जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसमें क्या हो रहा है कि ये जिस तरह से इसको प्रभावित करेगा अग्र डायरेक्शन को, उसी तरह से क्या करेगा, पश्च वाली जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको भी प्रभावित करेगा, यानी पश्च अभिक्रिया वेग को भी प्रभावित करेगा। उससे क्या होता है, जो अभिक्रिया का साम्य होता है यानी कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो जल्दी स्थापित हो जाता है, क्योंकि रेट बढ़ेगी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य जल्दी स्थापित हो जाएगा। और साम्य वो वाली कंडीशन होती है जहां पे अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का ही वेग जो है वो बिल्कुल समान हो जाता है और स्मूथली वो आगे फिर गति करती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ कि उत्प्रेरक क्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हम कि उत्प्रेरक है उसके प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट जो है इसके प्रकार कितने बनते हैं और ये प्रकार क्या बोलते हैं। चलिए, उत्प्रेरक के प्रकार में सबसे पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। एक बार इस उत्प्रेरक वर्धक जो वर्ड है इसको आप थोड़ा सा हटा दें यहां से। ठीक है, वैसे हम अभी डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखें, धनात्मक उत्प्रेरक जो है वो क्या होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब यही है, नाम से क्लियर हो रहा है कि जो क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, अभिक्रिया का जो वेग है उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब यहां पे एक चीज और देखें, ये जो उत्प्रेरक वर्धक यहाँ पे लिखा गया है ये क्या है, अभिक्रिया के वेग को न बढ़ा के बल्कि इस क्या करेगा, जो उत्प्रेरक हम काम में ले रहे हैं उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। ठीक है, दो वर्ड आएंगे, एक तो उत्प्रेरक वर्धक और एक उत्प्रेरक विषय। देखिए यहाँ पे, यहाँ तो क्या है, नाम ही उत्प्रेरक है। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक मतलब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ये बढ़ाएगा। ठीक है, और उत्प्रेरक विष में क्या होगा, वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देगा। तो नॉर्मल जो अगर हम धनात्मक उत्प्रेरक की बात करें तो ये आप सीधा सीधा बोलोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, बढ़ा देगा यानी कि इंक्रीज कर देगा। लेकिन उत्प्रेरक वर्धक की बात करें तो ये क्या करेगा, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को इंक्रीज करेगा। किसकी, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को इंक्रीज करेगा। इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये भी क्या करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक की तरह क्या, क्योंकि अगर ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा इसका मतलब वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यह क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। बट अगर हम सीधा सीधा यहां से देखें तो ये
उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। दोनों में क्लियर होना चाहिए, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, ठीक है। दोनों वैसे अलग टर्म्स है लेकिन यहाँ पे सिमिलर होने के कारण मैंने यहाँ पे दोनों को एक साथ इंक्लूड किया है। चलिए एग्जाम्पल देखें, अमोनिया निर्माण की जो रिएक्शन होती है उसको हैबर विधि बोलते हैं, ठीक है। तो अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि है उसमें ये मोलिब्डेनम जो है ना ये उत्प्रेरक वर्धक होता है तथा एफ ई फेरस जो है वो क्या करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा है आपके सामने, ठीक है। जो NH3 बनता है उसमें क्या है, ये फेरस क्या करेगा, उत्प्रेरक वर्धक की तरह कार्य करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है ये इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या मिलाया जाता है, मोलिब्डेनम मिलाया जाता है। अब ये मोलिब्डेनम क्या करता है, ये मोलिब्डेनम इस Fe की क्रियाशीलता जो है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। ये रिएक्शन को प्रभावित नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये सीधा सीधा इस Fe की उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है और उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हुआ एग्जाम्पल, इसमें ये दोनों यूज किए जाते हैं हैबर विधि में, फेरस प्लस मोलिब्डेनम, ठीक है, जिसमें ये क्या करेगा क्रियाशीलता को बढ़ाएगा और ये सॉरी वो Fe जो है वो उत्प्रेरक की जो ठीक है, तो Fe रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ मोलिब्डेनम उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाएगा। उसका बिल्कुल अपोजिट अगर बात करें तो वहां पे है उत्प्रेरक विष या फिर ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। जैसे उत्प्रेरक वर्धक था उसका उल्टा आपके पास उसका विपरीत अपोजिट क्या है, उत्प्रेरक विष है, और धनात्मक उत्प्रेरक की जगह यहाँ पे ऋणात्मक उत्प्रेरक है, बिल्कुल अपोजिट है इसका। ऋणात्मक उत्प्रेरक का मतलब ये है कि ये अभिक्रिया का जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो यही यहाँ पे है। उत्प्रेरक विष का मतलब ये है कि ये सर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देंगे, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ये क्या करेंगे, कम करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए जैसे ग्लिसरीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रोक्साइड जो होता है इसको अपघटन कम हो जाता है, ठीक है। ग्लिसरीन की उपस्थिति में इसका मतलब इसका अपघटन अगर कम हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। किसकी तरह, ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह, नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह ये काम कर रहा है। इज इट क्लियर। धनात्मक और ऋणात्मक आई थिंक आपको क्लियर हुए। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट, और अगला अपने पास है समांगी रासायनिक उत्प्रेरक, ठीक है। नाम बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा। समांगी यानी कि होमोजेनियस, विसमांगी यानी कि हेटरोजेनियस। कहने का मतलब सीधा सीधा है, समांगी रासायनिक उत्प्रेरक का मतलब ये है कि जिस अवस्था में आपके रिएक्टेंट हैं, जिस अवस्था में किसी भी अभिक्रिया के अभिकारक जिस अवस्था में है, ठोस द्रव गैस, अगर उसी अवस्था का क्या हो, उत्प्रेरक हो, तो वो तो हो जाएगा समांगी, और अगर उससे इतर मतलब उससे अलग हो अगर, तो वो हो जाएगा विसमांगी। कहने का मतलब यहाँ पे देखें आप, ये समांगी का एग्जाम्पल है, इसमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान है। क्रियाकारक और भौतिक, उत्पाद की बात नहीं कर रहे, क्रियाकारक और ये उत्प्रेरक है, इसकी भौतिक अवस्थाएं क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। यहाँ पे देखें आप, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैसीय अवस्था में है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी गैस है, और ये देखिए NO ये भी यहाँ पे गैस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओवरऑल इनकी जो दोनों की अवस्थाएं क्या है, गैस है, और उत्प्रेरक जो है वो भी गैस है। इसका मतलब दोनों की जो अवस्था है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि दोनों की जो भौतिक अवस्था है वो क्या है, दोनों की गैस है, इसलिए ये हो गया साहब समांगी उत्प्रेरक, ठीक है। क्लियर हुआ। विसमांगी उत्प्रेरक देखिए, और यहाँ पे क्या लिखा है, विसमांगी उत्प्रेरक में जिस अवस्था में क्रियाकारक होते हैं उसके अलग अगर आपका उत्प्रेरक हो तो वो विसमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिल रहे हैं और अमोनिया बन रहा है। एक्चुअली जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे हैबर विधि, वो हैबर विधि यही है, ठीक है। हैबर विधि या हैबर रिएक्शन जो है वो क्या है, यही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे N2 ये गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में है, लेकिन यहाँ पे देखें ये दोनों क्या है, सॉलिड में है। फेरस और मोलिब्डेनम जो है वो क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पे तो आपका क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, ठीक है। ये अभिकारक तो गैसीय अवस्था में है लेकिन ये उत्प्रेरक जो है वो ठोस अवस्था में है। क्लियर हुआ, ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका विसमांगी, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, गैस, और यहाँ पे है ठोस, ठीक है। और उसे अगर आप उसको वहां से एग्जांपल देखें तो ये क्या था, उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा था, और मोलिब्डेनम जो है वो उत्प्रेरक वर्धक की तरह कार्य कर रहा था। तो ये है हैबर विधि, N2+3H2=2NH3 यानी अमोनिया निर्माण की विधि, ठीक है। चलिए तो समांगी विसमांगी धनात्मक ऋणात्मक क्लियर हुए। उसके बाद देखिए स्व उत्प्रेरक, इसका मतलब ये है
कि अभिक्रिया में कोई ऐसा उत्पाद बनेगा, हम अलग से कोई कैटलिस्ट इसमें नहीं मिलाएंगे, जैसे वहां पे फेरस और मोलिब्डेनम या फिर ग्लिसरीन मिलाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट, मतलब इस तरह का कोई भी मटेरियल इसमें नहीं मिलाएंगे, कोई भी कैटलिस्ट इसमें नहीं मिलाएंगे। इसमें एक्चुअली होता ये है कि जो पदार्थ यहाँ पे बनता है, यानी जो उत्पाद बनता है, और वो उत्पाद ही क्या करता है अभिक्रिया में कैटलिस्ट की तरह, यानी कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाता है, ठीक है। जो उत्पाद बनेगा वही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाएगा, तो हमें अलग से कुछ मिलाने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर किसी अभिक्रिया का उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करे, वही क्या कहलाता है, स्व उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही क्या करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या, ये आपके सामने एथिल एसीटेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन के साथ बॉन्ड है, एथिल एसीटेट जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, और यहाँ पे पानी के साथ रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका एसिटिक एसिड बन रहा है, साथ ही साथ एथिल एल्कोहल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल है, ये आपका उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा। तो देखिए, इसमें हमने कोई भी अलग से कैटलिस्ट नहीं मिलाया है, सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन हुई है। दोनों की रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बना है आपके सामने, एसिटिक एसिड बना है, और एसिटिक एसिड बनते ही यही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग गया, ठीक है, खुद ही। तो इसका मतलब ये स्व उत्प्रेरक है। तो ये क्लियर हो गया कि अभिक्रिया का उत्पाद ही अगर उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा तो वो स्व उत्प्रेरक होगा। अगला देखें, और जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा आपसे, और वो है जैविक उत्प्रेरक या बायो कैटलिस्ट। अब देखिए, जैविक उत्प्रेरक क्या होते हैं, जैविक उत्प्रेरक का मतलब ये होता है सर कि जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम ही क्या करने लग जाते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे जैविक क्रियाएं होती है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है, उन सब में क्या होता है, उन सब में भाग लेने वाले एंजाइम जो होते हैं वही क्या करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। कौन, एंजाइम ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लग जाते हैं। तो वो हो गया आपका जैविक उत्प्रेरक। देखिए, जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, टाइलिन, माल्टोज और सुक्रोज, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो चलिए एक रिएक्शन दो एक देख लेते हैं हम, जहां से आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एंजाइम जो है उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। स्टार्च जो होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है टाइलिन। अब ये टाइलिन जो है वो आपके लार में पाया जाता है, मूंग की जो लार होती है उसमें टाइलिन एंजाइम होता है, और यही क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसी से कहते हैं हम कि अगर हम खाना खाते हैं तो कंटिन्यूअसली चबाने से क्या हो जाता है, स्टार्च जो है वो माल्टोज में चेंज हो जाता है, और आपको पता है ये एक तरह से शर्करा है, तो खाना जो है मीठा लगने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टार्च किस में चेंज हो गया, माल्टोज में चेंज हो गया, ठीक है। स्टार्च का मतलब यही है कि जो नॉर्मली हम मैदा लेते हैं या फिर जो घरों में आटा लेते हैं वो एक तरह से स्टार्च ही होता है, क्लियर हुआ। टाइलिन एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है, मनुष्य की लार में पाया जाता है, तो ये एंजाइम ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन आई थिंक क्लियर हुई, और ये है जैविक उत्प्रेरक। दूध जो है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, तो दूध जो है उसमें क्या होता है, लैक्टिक बैसिलाई नाम का एक क्या होता है, एंजाइम होता है, और वही क्या कर देता है इसको, दूध को दही में यानी कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। समझ आया आपको? तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ है सारी चीज़ें, इसमें होता है लैक्टिक बैसिलाई, और सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे जैविक उत्प्रेरक जो है वो अपनी अपनी क्रियाशीलता दिखाते हैं और वहाँ पे यूज होते हैं। तो ये थे उत्प्रेरक के प्रकार, और आई थिंक आपको 6 के 6 प्रकार जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुए, ठीक है। तो जो नाम इसका है उस नाम के अकॉर्डिंग इसको पकड़ें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही वाला है, जैविक उत्प्रेरक या फिर बायो कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये आप देखें, यहाँ से आगे देखें, एक रासायनिक इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे थे बार बार कि अगर उत्प्रेरक अगर हम किसी में मिलाते हैं तो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में यानी कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में उत्प्रेरक वर्धक मिलाने पे साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है। तो वो साम्य क्या था, मतलब साम्य है क्या, रासायनिक इक्विलिब्रियम बोलते किसे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हमने एक रिएक्शन यहाँ पे लिखा है सीधा सीधा, ए प्लस बी जो है वो अभिकारक हैं, और ये सी और डी जो है वो क्या है आपका, उत्पाद बन रहे हैं। ये आपको पता ही है उत्क्रमणीय अभिक्रिया को डिनोट करने का साइन है। अब इसमें क्या होगा, आपको पता है कि ए और बी जो है अभिकारक हैं, ये धीरे धीरे क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और ए और बी आपस में रिएक्शन करके उत्पाद में बने कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ए प्लस बी जो है वो क्या करेंगे, धीरे धीरे उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन में भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है,
एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही सांद्रता में कितनी कमी आती है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में सी या फिर डी के जो उत्पाद है उसमें कितनी वृद्धि हुई, उनकी सांद्रता में कितनी वृद्धि हुई। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, इनकी सांद्रता तो कम होती जाती है और इनकी सांद्रता क्या रहती है, इनकी सांद्रता बढ़ती है और इनकी सांद्रता कम होती जाती है, ठीक है। क्योंकि रिएक्टेंट आपस में क्या करेंगे, क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे, तो उत्पाद नए बन रहे हैं, इसका मतलब सांद्रता बढ़ेगी, यहाँ पे सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस अगर इसी तरह से चलता रहता है तो क्या होगा, अगर इनकी सांद्रता कम हो रही है, इनकी सांद्रता ज्यादा हो रही है, तो जब शुरुआत में इनकी सांद्रता ज्यादा थी तो आपको पता है कि अगर सांद्रता ज्यादा होती है तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होता है, आपको पता है ये चीजें, ठीक है। तो ये सांद्रता धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब इसका वेग घटेगा, ठीक है। सांद्रता कम होने के साथ अभिक्रिया का वेग घटता है, तो जैसे ही सांद्रता इसकी कम होगी कंटिन्यूअसली धीरे धीरे, तो अगर अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रही है, इसका वेग धीरे धीरे घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। लेकिन सी और डी यानी उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, जिस रेट में इसकी सांद्रता घटेगी उसी रेट में इनकी सांद्रता बढ़ेगी, तो जिस रेट से इनकी सांद्रता बढ़ रही है उसी हिसाब से क्या होगा, सांद्रता बढ़ने के साथ अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तो ये अभिक्रिया का वेग जो है, यानी पस अभिक्रिया जो है, बैकवर्ड जो रिएक्शन हो रही है, इसमें क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो धीरे धीरे हम ये बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन पस अगर अभिक्रिया का वेग घटता है और पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब क्या होगा, दोनों की अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और वो स्टेट ही कहलाती है इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यवस्था, ठीक है। तो एक बार इसको रीड करते हैं, समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती है और तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है, जिससे अग्र अभिक्रिया की दर घट जाती है तथा पश्च अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आपके सामने दिखाई देगी कि अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया के दर के बराबर होगी, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर रासायनिक साम्यवस्था बोलते हैं। इस अभिक्रिया की दर में या फिर इस कंडीशन में क्या होता है, साम्यवस्था की स्थिति में क्या होता है, अभिक्रिया की दर रुकती नहीं है, ठीक है, रुकेगी नहीं, लेकिन दोनों समान दर से कंटिन्यूअस फ्लो होती रहेगी, मतलब दोनों समान दर से होती रहेगी लेकिन रुकेगी नहीं। अगर ये चीज समझ आ गई है तो इस डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से आप देखें, डायग्राम से आपको और ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे आपने अभिकारकों की, हमने सांद्रता को लिखा है और साथ ही साथ ये टाइम लिखा है हमने यहाँ पे, और रासायनिक साम्यवस्था का ये डायग्राम है। ये जो शो हो रहा है आपको इस तरह से एक कर्व, वो है अभिकारक ए प्लस बी को शो करता हुआ, ठीक है, और ये जो है वो आपको शो कर रहा है उत्पाद यानी कि सी प्लस डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत में क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी तब सांद्रता किसकी ज्यादा थी, अभिकारक की सांद्रता ज्यादा थी, सबसे ज्यादा किसकी सांद्रता थी आपके साथ, सी प्लस डी। तो शुरुआत में स्टार्टिंग में तो कोई उत्पाद था ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो क्या होता है, अपने पास अभिकारक ही होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या था, ए प्लस बी यानी अभिकारकों की मात्रा सबसे ज्यादा थी, सांद्रता यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, और आपके पास उत्पाद क्या थे, बिल्कुल जीरो थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ, आपके पास अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे कम होती गई, ठीक है, और उसी रेट से क्या हुआ, उत्पादों की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती गई, ठीक है, उत्पादों की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती गई, और ये वो वाली स्टेट आ जाती है कि उत्पादों की सांद्रता बढ़ती हुई यहां तक पहुंच गई, इनकी सांद्रता घटती हुई यहां तक पहुंच गई। अब देखिए अब ये होगा कि अब इस तरह से ये कंटिन्यूअस फ्लो होती रहेगी रिएक्शन। तो ये जो स्टेट बनी है ये एक साम्यवस्था स्थापित करती है, जहां पे क्या हो रहा है, अभिक्रिया का जो रेट है, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के ही वेग जो है वो समान रहते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अभिक्रिया का वेग जीरो नहीं होगा और सिर्फ क्या रहेगा, समान रहेगा, और ये बिल्कुल समान दर से आगे बढ़ेंगी अभिक्रियाएं। तो आई थिंक आपको केमिकल रिएक्शन जो था, केमिकल इक्विलिब्रियम जो था, वो आई थिंक आपको क्लियर हुआ है यहाँ से, उत्प्रेरक के प्रकार, साथ ही साथ रासायनिक साम्य जो है वो क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई है, और आई होप कि सब कुछ आपको समझ आया है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए गुरु विद्या के साथ। धन्यवाद।